अस्सलामु अलैकुम क्लास फर्स्ट, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड यू ऑल आर डूइंग योर होमवर्क प्रॉपरली ऑन टाइम. ओके क्लास फर्स्ट, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास टुडे. एंड एज यू ऑल नो दैट इन द लास्ट वीक वीडियो वी हैड स्टार्टेड अ टॉपिक द हेजहॉग एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न हाफ ऑफ द रीडिंग. टुडे वी विल डू रिमेनिंग हाफ ऑफ द रीडिंग. ओके, सो एवरीबडी टेक आउट योर बुक, ओपन योर यूनिट नंबर 3 द हेजहॉग. ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एंड टेक आउट दिस वन पेज, यूनिट नंबर 3 द हेजहॉग. ओके, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट वट इज हेजहॉग. हेजहॉग इज लाइक अ माउस, एक कांटेदार माउस की तरह होता है ना, जंगली चूहे की तरह होता है. उसके ऊपर वो होते हैं, कांटे से होते हैं. ये मैंने पिक्चर भी आपको दिखाई थी ना, तो ये है हमारे पास हेजहॉग. पहले मैं पुरानी वाली रीडिंग एक दफ़ा रिवाइज करती हूँ हाफ, और हाफ पर आज पढ़ेंगे. ठीक है, द हेजहॉग इज़ अ लिटिल बीस्ट हु लाइक्स अ क्वाइट वुड वेयर He can feed his family on proper hedgehog food. He has a funny little snout that's not very big, with which he smells like us, but also roots and dig. Okay, इसमें क्या हमने पढ़ा था कि hedgehog एक small beast है जो कि कहाँ पर रहना पसंद करता है, खामोश जंगलों में. वहाँ पर वो क्यों खुश होता है, क्योंकि वहाँ पर वो अपने फैमिली को प्रॉपर जो हेजहॉग फूड होता है ना वो प्रोवाइड कर सकता है, तो उसको वो जगह ज़्यादा पसंद होती है. फिर उसका एक स्नाउट होता है, स्नाउट मीन वो लंबी सी नाक थी ना उसकी. मैंने आपको इसमें देखे वो जो जिसके ऊपर रेड सा बॉल सा लगा हुआ है, तो ये थोड़ी सी फनी सी है ना. तो इसका स्नाउट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता बट थोड़ा सा बड़ा होता है. उस पर वो क्या करता है, चीज़ों को स्मेल करता है जैसे हम अपनी नोज़ी से करते हैं ना. और प्लस उससे वो क्या करता है, रूट्स को डिग करता है, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उसको डिग करता है, और वहाँ से अपने खुद और अपनी फैमिली को क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है. ओके नाउ द डाउन वन लाइन एंड टूडेज़ वर्क. ओके नाउ स्टार्ट. ही वेयर्स queerest prickly coat instead of hair or fur and only has to curl himself to bristle like a burr. He does not need to battle with or run away from foes. His coat does all the work for him. It pricks them on the nose. ओके, लेट रीड इट अगेन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, ही वेयर्स द क्वेरेस्ट प्रिकली कोट इंस्टेड ऑफ हेयर आर फर एंड ओनली हैज टू कर्ल हिमसेल्फ टू ब्रिसल लाइक अ बर. ही डज नॉट नीड to battle with or run away from foes. His coat does all the work for him. It pricks them with the nose. Okay? अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि ये इसने क्या पहना होता है कि एक पुरसुकून सा प्रिकली कोट होता है. उसके बॉडी पे कोई हेयर नहीं होते, कोई फर नहीं होते, मतलब वो फर वगैरह नहीं होते हैं. उसके क्वेरिस्ट प्रिकली कोट होता है. अच्छा, जिसमें उसने क्या किया होता है, अपने आप को कर्ल किया होता है. ठीक है, अच्छा, वो किसी से भागता भी नहीं है और वो किसी से झगड़ा भी नहीं करता, क्योंकि उसका कोट क्या होता है, वो कांटेदार होता है. वो अगर किसी के साथ टच हो जाता है ना, तो जो दूसरा वाला एनिमल होता है या जो भी होता है, वो खुद ही भाग जाता है ना. तो उसका जो कोट होता है वो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए पूरा काम वो करता है. जो उसकी एनिमीज वगैरह होती है ना, तो उससे उसको बचाता है. ठीक है, अच्छा, अब मैं दोबारा से रीड कर रही हूँ. आप लोगों ने फिंगर रखना है एक एक वर्ड पे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. ओके क्लास फर्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम द ही वेयर्स द क्वेरिस्ट प्रिकली कोट इंस्टेड ऑफ हेयर आर फर
and only has to curl himself to bristle like a burr. He does not need to battle with or run away from foes. His coat does all the work for him. It pricks them with the nose. Okay, now what you have to do, you have to read this 3-4 times again and again. First you will listen to this video, you will learn the difficult words, and after that you will read by yourself. Now finally I am reading it again, and you all have to repeat after me. Okay, he wears the queerest prickly coat instead of hair or fur, and only has to curl himself to bristle like a burr. He does not need to battle with or run away from foes. His coat does all the work for him. It pricks them on the nose. Okay, so this is your today's task. You have to read and you have to complete this chapter. Okay, thank you. Allah Hafiz.